नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। मैं हूँ अरुंधति और आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद अरुंधति। दोस्तों, अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ छत पर। ये देखिए, आज 3 दिन के बाद थोड़ी सी धूप आई है और धूप होने के बाद ये देखिए मिट्टी बिल्कुल सूख गया है और अभी फिर से बारिश होने की, देखिए अभी काली बादल छाई हुई है अभी। और आज मैं एक एस्परगस प्लांट को रिपोर्ट करने वाली हूँ। ये देखिए वो प्लांट, ये देखिए कितनी हेल्दी प्लांट है और एकदम छोटे से पॉली बैग में ये लगा हुआ था। इसको मैंने फिर से, और एक ये देखिए रियो बीच में आ गया, और ये देखिए दोस्तों इसको फिर मैंने एक उससे बड़े वाला पॉट में, मैंने पॉट तो नहीं है, ये नर्सरी वाला जो बैग होता है उसी में लगा लिया है। और ये देखिए इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ आ गई है, ये देखिए। तो इसको मैं अभी लगाने वाली हूँ। अरे अरे, तो दोस्तों इसके लिए मैंने ली है, यहाँ पर देखिए ये है एक मिट्टी का पॉट। इसकी होल को भी मैंने कवर कर लिया है, ये देखिए अच्छी तरह से इसको कवर कर लिया है। और इसको मैं अभी रिपोर्ट करने वाली हूँ। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, इसके लिए मैंने मिली है मिट्टी, ये है गार्डन सॉइल, और भीग गया है बिल्कुल। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है अभी लो प्रेशर के कारण। और ये ली है मैंने बर्मी कंपोस्ट, और यहाँ पर देखिए ये थोड़ी सी नीम खली, ये देखिए। और इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। और रियो अभी बटरफ्लाई के पीछे भाग रहा है, ये देखिए। किसी एक बटरफ्लाई को भी ये बैठने नहीं देगा प्लांट में। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये मिट्टी को मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है, ये देखिए। अभी रिपोर्ट करने का बहुत बढ़िया मौसम है, क्योंकि बारिश अगर हो रही है तो इसी में अगर हम प्लांट को लगा लेते हैं तो ये 100% चल जाते हैं, कोई नुकसान नहीं होता। ये देखिए दोस्तों, ये प्लांट में मैंने, ये पॉट में मैं थोड़ी सी अभी दे देती हूँ, ये देखिए। और ये वाला जो बैग है, नर्सरी वाला बैग है, इसको मैं पहले निकाल लेती हूँ प्लांट को इसमें से। ये देखिए अच्छा खासा पॉली बैग है ये, बिल्कुल 6 इंच से ज़्यादा होगा ये, ये देखिए। मगर ये वाले पॉट से, ये वाले जो पॉली बैग होता है, इसमें से निकालना प्लांट को थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। वो दूसरे वाला बैग जो होते हैं उनमें से निकालना बहुत आसान हो जाता है, पर इसमें से निकालना थोड़ी सी मुश्किल होती है, ये देखिए। और मैं इसको काटना भी नहीं चाहती, क्योंकि मुझे और भी प्लांट लगाने हैं, इसी में फिर से लगा लूँगी। तो हम गार्डनिंग करते हैं तो थोड़ी सी लालच आ जाती है, ये देखिए। थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, बहुत ज़्यादा रूटिंग हो गई थी, देखिए नीचे बिल्कुल लग गया है, इसलिए नहीं निकल रहा था। और इसकी मिट्टी भी थोड़ी सी, ये देखिए छोटे से एक पॉली बैग में ये लगा हुआ था, ये नर्सरी वाला जो मिट्टी है, इसको निकाल लेती हूँ मैं थोड़ी थोड़ी। और ये देखिए, अभी इसको हम लगा लेंगे। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा प्लांट है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। थोड़ी सी और मिट्टी डाल देते हैं, अभी शायद बारिश हो जाएगी। ये फॉर वैरायटी के होते हैं,
फॉर्न की फैमिली से होते हैं ये। तो ये वाले जो प्लांट होते हैं, अभी इनकी रेनी सीजन में ये बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं। फरवरी महीने से ही इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, पर रेनी सीजन में इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये प्लांट। ये प्लांट मेरे पास पहले से ही था, पर ख़राब हो गया। आसानी से तो ये प्लांट जाते नहीं है, पर मैंने थोड़ी सी देखभाल उसकी नहीं की, पानी वानी नहीं डाला तो ये मर गया। ये देखिए, बहुत खूबसूरत लगते हैं, बिल्कुल फ्लावर बुके में भी इसकी यूज़ होती है। और दोस्तों, ये देखिए प्लांट हमारा तैयार हो गया। इसको कोई भी खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप चाहें तो 6 महीने में एक बार अगर वर्मी कंपोस्ट थोड़ी सी डाल देते हैं, नीम खली थोड़ी सी डाल देते हैं तो चलेगा। कुछ भी अगर आप कुछ भी नहीं देंगे तो भी ये प्लांट चलते रहते हैं और आपकी गार्डन की जो खूबसूरती है उसको बरकरार रखते हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए ऊपर से देखिए, ये वाला नई नई लीव्स जो आते हैं वो बिल्कुल बहुत खूबसूरत लगते हैं, लाइट ग्रीन में आते हैं और थोड़ी सी मैच्योर हो जाने के बाद ये लीफ ऐसे बॉटल ग्रीन में हो जाते हैं। ये देखिए, और ऐसे नई नई स्पाइक्स इनमें से निकलती रहती है। ये देख सकते हैं आप, ये एक लीफ बन जाएगा और बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए, तो दोस्तों यही था एक छोटा सा वीडियो। वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे हर आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो के संग आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।